अरे फ्रेंड्स वगैरह में चल रहे, चलिए क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के गुलाबी में कुछ बनाते हैं। जिसके लिए हम 2 बड़े चम्मच चीनी लेके आधा कप पानी डाल करके उसको शुगर सिरप बना करके तैयार कर लिया है। और उसके साथ यहाँ पे हम क्रीम बनाएंगे पहले। उसके साथ यहाँ पे मैंने पाउडर वाला क्रीम लिया है, 50 ग्राम ये क्रीम है, और 100 ग्राम यहाँ पे हम दूध डालेंगे। और दूध बिल्कुल चिल होना चाहिए, यानी काफ़ी ठंडा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध को हम डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, यानी क्रीम इसकी तैयार कर लेंगे हम। एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है, जब तक कि इसमें कोई लम्स ना रहे, काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी एक ही डायरेक्शन में उसको चलाते रहेंगे। और कटोरी हम पलट के देखेंगे, अगर हमारी क्रीम नहीं गिर रही है तो यानी क्रीम हमारी अच्छी बनी हुई है। और उसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्रीम बना कर फ्रिज में रख देंगे। और एक साइड में हमने 3 से 4 ब्रेड लिया है, और एक बड़ी कटोरी से ब्रेड को गोल शेप में काटेंगे। एक छोटी कटोरी लेकर के या किसी भी कटर से आप उसको छोटे से में इसको काट लेंगे। और उसके साथ यहाँ पे कुछ ब्रेड को हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। यहाँ मैंने 4 ट्रायंगल काटे हैं, 4 गोल काटे, 4 छोटे गोल काटे हैं। उसके बाद चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्रेड को लिया है, ब्रेड पे हम ब्रेड के नीचे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पे हम शुगर सिरप लगाएंगे, एक के ऊपर पहले शुगर सिरप लगाएंगे, उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी और क्रीम लगाएंगे, फिर हम दूसरा ब्रेड रखेंगे। एक्चुअली ये जो डिश है ये मेरी बेटी ने बनाया है। उसके बाद चार मैंने लिए हैं गोल, उसके बाद 4 मैंने ट्राइंगल शेप ले करके क्रीम लगा करके साइड में ऊपर फिट कर दिया। ऊपर से हमने थोड़ा जैम लगा दिया है, ये मिक्स जैम है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद सारी क्रीम को हम साइड में भी अच्छे से लगा देंगे, उस पर से अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ मैंने 4 सर्किल लिए और 4 यहाँ पे ट्रायंगल शेप को लिया, और एक शेप में यहाँ पे हमने शुगर सिरप लगाया, फिर दूसरा ब्रेड लगाया, फिर शुगर सिरप लगाया, फिर दूसरा ब्रेड लगाया, और बीच बीच में हमने थोड़े क्रीम लगा दिए हैं। अच्छे से पूरे क्रीम को चारों तरफ से उसको कवर कर लेंगे हम। एक्चुअली यहाँ बना रहे हैं हम सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे टोपी के लिए मैंने ब्रेड लिया है, ट्रायंगल ब्रेड लिया, उस पर हम चार एक ब्रेड लिया, उसके बाद हमने क्रीम लगाया, फिर शुगर सिरप लगाया, फिर क्रीम लगाया, ऊपर हमने थोड़ा सा जेम लगा दिया उसके कैप के लिए। उसके बाद चारों तरफ से हम ब्रेड को क्रीम से कवर कर लेंगे। बच्चों को तो खास कर बहुत ही पसंद आएगा। उसके बाद यहाँ पे गोल से हमने छोटे जो गोल से काटे हैं उसमें अच्छे से क्रीम लगा करके ऊपर उसकी टोपी के पास सेंटा क्लॉज की हम लोगों ने जो टोपी बनाई है उसमें हम रख देंगे। उसके बाद ऊपर से भी अच्छे से क्रीम लगा के इसको कवर कर देंगे। उसके बाद पूरे केक को हम क्रीम से अच्छे से कवर कर देंगे। आप इस फोक की सहायता से, स्पून की सहायता से, या आप बटर वाले स्पून की सहायता से अच्छे से उसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सजाने के लिए हमने एक चॉकलेट ली है, डेरी मिल्क चॉकलेट है, उसको थोड़ा मेल्ट करके लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे शेप में लाने के लिए यहाँ पे फिर मैं ट्राइंगल ब्रेड कटिंग की है, नीचे हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे, ऊपर से ब्रेड नीचे करके शेप बना लेंगे। 4 लेयर मैंने लगाई है। यहाँ पे हमने जैम लिया है और जैम को अच्छे से थोड़ा हाथों से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर हम उसको लगा के और चारों तरफ से क्रीम से कवर कर लेंगे। चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा रोटेट करने के लिए यहाँ नीचे मैंने छोटी सी थाली रखी है, जिससे कि अच्छे से घूम सके और अच्छे से क्रीम यहाँ पे लग सके। और चॉकलेट को हमने मेल्ट करके एक कोन में ले लिया है, कोन को थोड़ा सा कट करके इसकी आइस बना लेंगे हम सेंटा क्लॉज की। इस केक को मेरी बेटी ने बनाया है,
अब बच्चों को तो खास करके केक बहुत ही पसंद आता है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में बनाया इसने। यहाँ पे देखिए सेंटा क्लॉज की आईज बन गई, ऊपर से यहाँ पे उसकी नोज बना लिया हम लोगों ने। नोज को भी हम छोटा सा ब्रेड के कटिंग करके उस पर जैम लगा लिया। केक का आइडिया भी उसी का था। और यहाँ पे इसका छोटा सा मुंह बना लिया सेंटा क्लॉज का। उसके बाद यहाँ पे हम सेंटा क्लॉज की ट्री बनाएंगे, क्रिसमस ट्री। छोटे छोटे यहाँ पे ट्रायंगल शेप में, बड़ा और सा ट्रायंगल शेप छोटा छोटा करके हम इसे स्टिक कर लेंगे। पहले थोड़ा सा क्रीम लगा के, पहले से छोटा लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हुए ट्रायंगल शेप में हम इसका पेड़ बना लेंगे, क्रिसमस ट्री। ऊपर सबसे छोटा रखेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े शेप में इसको हम सेट कर लेंगे। लास्ट में सेंटा क्लॉज की रोट्स बना देंगे। उसके बाद ऊपर से भी यहाँ पे हम शुगर सिरप डाल करके उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। इसकी डंटली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट का इसका यूज़ किया है। और ऊपर से स्टार शेप में, किसी भी कटर से स्टार शेप में बना करके यहाँ पे हम उसको भी स्टिक कर लेंगे। इसके यहाँ पे मैं क्रीम में थोड़ा सा ग्रीन कलर यानी हरा कलर मैंने यूज़ किया है, ये फ्रूट कलर है। उसको डालकर अच्छे से ब्रेड को कवर कर लेंगे पेड़ नुमा। ये देखिए तैयार हो गया। अगर बेटी की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।